आज हम पनवाड़ा टीवी के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यूपी के अंदर शुक्रताल में राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने भागवत कथा जो सुनाई थी और तब से पितृमोक्ष के लिए भागवत कथा का जगह जगह आयोजन किया जाता है और इससे अपने पितरों को मुक्ति दी जाती है। तो इसके बारे में विस्तार से हमारे साथ जुड़े हैं के पुजारी, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भागवत महापुराण का आखिर महत्व क्या है। अभी वर्तमान आप लोग उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर शुक्रताल में विद्यमान हैं। ये आप जो पावन अक्षय वट वृक्ष देख रहे हैं, ये अक्षय वट वृक्ष लगभग 5,500 वर्ष से भी पुराना है और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा हरियाली छाई रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो यहीं पर सुनाई हुई थी। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, उसी प्रकार भागवत की जो जन्मभूमि है वो यहाँ यही इसी स्थान से ही है, सुखताल है। तो यहाँ पे आज विश्व के ही, भारत के तो सभी श्रोता वृंद आते ही हैं, जैसे राजस्थान के हुए, मध्य प्रदेश के हुए और भी बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं, भागवत की कथा कराते हैं और यहाँ आने मात्र से उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनके संपूर्ण मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। देखिए, आज दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है वो सब फायदे के लिए किया जाता है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, वो निष्काम भक्ति है। और देखिए, भगवान के काम में दो प्रकार की भक्ति है, एक सकाम भक्ति भी है और एक निष्काम भक्ति भी है। भगवान कहते हैं, यदि तुम मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, और यदि तुम निष्काम भक्ति से आए हो तो मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने आप को देना चाहता हूँ। तो ये भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस मनोभाव से यहाँ पे आते हैं। यदि सुख को यहाँ लेके आते हैं तो भगवान उनको संसार के सुख भी देते हैं, और यदि वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं तो सुखदेव जी महाराज जी उनको भगवान का दर्शन भी करा देते हैं। कथा प्रमुख प्रमुख ऋषि महर्षि विराजमान है, और जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, उसी प्रकार भागवत की जो जन्मभूमि है वो सुखताल है। तो आज आप पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, उसका जो जन्मभूमि है वो शुक्रताल है। यहीं से पूरे विश्व में जो है भागवत की कथा सुनाई जाती है। तो सबसे पहले राजा परीक्षित जी महाराज जी को भगवान शुकदेव ने यहीं से कथा सुनाई और यहाँ पर जितने भी उस समय कथा सुनाने के लिए संत लोग आए थे तो उनमें 88,000 ऋषि महर्षि आए हुए थे। तो 88,000 ऋषि महर्षि में यहाँ पे मुख्यतः प्रमुख प्रमुख ऋषि महर्षि विराजमान है, अरे भगवान का मुख्य मंत्र। और आप ये जो अक्षय वट वृक्ष देख रहे हैं, और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा हरियाली छाए। इस धागा बांधने का मुख्य मकसद ये है कि जैसे किसी व्यक्ति की कोई मनोरथ होती है तो उस मनोरथ को पूर्ति हेतु भगवान को बांधते हैं। जैसे बहन अपने भाई को इसलिए कलावा बांधती है कि उसकी रक्षा हो, उसी प्रकार हमारी भी रक्षा तो भगवान करने वाले ही हैं, लेकिन भगवान सबको देने वाले हैं, तो इसलिए सबकी यह इच्छा रहती है कि हे गोविंद, हमारे कुछ मनोरथ हैं, आप उनको पूर्ण करो, इसलिए यहाँ पर जो कलावा बांधते हैं। इसका एक और कारण है, बोले कहा जाता है, बोले आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च और श्रेयस कामो न गृह्णन्ति ज्येष्ठ पुत्रो कलत्रयो। अर्थात बार बार व्यक्ति को अपना नाम लेना नहीं चाहिए, बार बार आत्म नाम गुरु नाम अपने गुरु जी का नाम बार बार लेना नहीं चाहिए, और कृपण व्यक्ति का नाम बार बार लेना नहीं चाहिए। और जो अपना यश चाहता हो, जो अपना कीर्ति चाहता हो, उसे अपने घर में सबसे बड़े बेटे का नाम भी पुकारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गुरु जी का नाम राधा रानी होने के कारण भगवान शुकदेव जी महाराज जी ने यहाँ राधा नाम उच्चारण नहीं किया, इसलिए हमारे यहाँ पे जो है राधा रानी आज भी गुप्त रूप में निवास करती है, भगवान कृष्ण अकेले विद्यमान है। भगवान यही वो गर्भगृह है जिसके लिए आज पूरे भारत के लोग इस स्थान पर आते हैं। यहाँ पे भगवान शुकदेव जी महाराज जी विराजमान है और यहाँ पे राधा परीक्षित जी महाराज जी।
विराजमान है। और सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताएं, आप पूरे भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं आप उनमें दर्शन करो तो आपको भगवान कृष्ण के साथ में राधा रानी का दर्शन प्राप्त होता है। परंतु हमारे यहाँ जो राधा रानी है वो गुप्त रूप में निवास करती है, इसीलिए क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी की जो गुरु थी वो थी राधा रानी। और सुखदेव जी महाराज जी यहाँ पर एक बार भी राधा शब्द का नाम लेते तो राधा नाम उच्चारण मात्रण साण मासिक मूर्ति भवे, अर्थात उनको 6 महीने की समाधि लग जाती। और केवल राजा परीक्षित महाराज जी को 7 दिन के अंदर मोक्ष दिलवाना था, इसलिए उन्होंने संपूर्ण भागवत में कहीं भी राधा शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। यद किंचित गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जी ने कहीं वर्णन किया हो तो वह श्री शब्द से संबोधित किया, इसलिए हमारे यहाँ पे जो है राधा रानी गुप्त रूप में निवास करती है।